फिल्म्स मैम सूर्या और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करने वाला हूँ तीन फिल्मों के बारे में। जी हाँ, पहली है लव रात्रि, दूसरी है अंधाधुन, तीसरी है वैनम, यानी कि हॉलीवुड फिल्म है। बीच में जो आपको नजर आ रही है सुई धागा, अभी भी बढ़िया चल रही भैया, सब बढ़िया है। एनीवेज बात करने वाला हूँ तीन फिल्मों के बारे में, एक एक करके फिल्मों के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। और लव रात्रि के बारे में यही बताऊंगा कि लव रात्रि अब नहीं है, अब ये है लव यात्री। जी हाँ, एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी है भैया, धड़ाधड़ टिकट बुक कर लीजिए, चाहिए तो भैया बाद में ये ना हो कि टिकट ना मिले आपको। तो लव रात्रि के टाइटल पर थोड़ी सी कंट्रोवर्सीज हुई थी, उसके अलावा तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है। गाने वाने हो चुके हैं, वरीना और आयुष की जोड़ी पहली बार नजर आने वाली है। अब इसे गाने बढ़िया है, देखते हैं। और जो स्टारकास्ट है ना, यानी कि ये दोनों तो नए हैं, इसके अलावा बाकी जो स्टारकास्ट है, राम कपूर है, बाकी जो एक्टर्स है, मेरे ख्याल से वो बहुत ही वेल वर्थ है। ऐसे में फिल्म को संभालने की बहुत कोशिश होगी, मेरा ऐसा मानना है उनकी तरफ से। अब लेकिन एट द एंड ऑडियंस के ऊपर है कि किस तरह से वो रिस्पॉन्स देते हैं। और यहां पर अगर मैं बात करूं दो और फिल्मों की, यानी कि अंधाधुन और एवेनम, तो अंधाधुन एक बहुत ही बढ़िया फिल्म है। अगर आपने ट्रेलर देखा होगा तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा किस तरह से आयुष्मान खुराना अंधे का रोल प्ले करता है। और ये पोस्टरी दर्शाता है काफी कुछ, देख सकते हैं। तबू है हमारे आयुष्मान खुराना है, तबू के आंख में पट्टी बंधी और बंधी है, और यहाँ पे आयुष्मान खुराना के बंधी नहीं क्योंकि ऑलरेडी वो अंधे है। और खून करती है तबू या नहीं करती है, बैकग्राउंड डार्किश है, रेडिश, और ये बहुत ही कमाल का है भैया, ये बहुत ही कमाल का। यानी कि एक जो हम कल्ट फिल्म में देखना पसंद करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट में, और थोड़ा सा सस्पेंस टाइप चालू होता है म्यूजिक, तो वो जो फ्लेवर है, मैंने सो ट्रेलर देखा, ट्रेलर में एक सीन है जहां पांच छह बार ऐसा ड्रम स्टिक्स बजते हैं और सीन्स कट टू अलग अलग सीन्स आते हैं, कमाल का सीन्स है। और कमाल की फिल्म है यार, श्रीराम राघवन की फिल्म है, एक प्रॉमिसिंग डायरेक्टर है, एंड मेरा तो दिल भैया इस फिल्म के ऊपर ही आ रहा है, वो क्यों मैं बताता हूँ आपको। और एक लास्ट फिल्म है वेनम, ये फिल्म भी अपने आप में कमाल है। द वर्ल्ड हैज इनाफ सुपर हीरोज, यानी कि दुनिया में बहुत हो गए सुपर हीरोज, और इसकी भी एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है इंडिया में। लेकिन मैं आपको बता दूं, टॉम हार्डी की फिल्म है, टॉम हार्डी कमाल के एक्टर, कमाल मतलब कमाल के एक्टर, जितनी फिल्में देख लो आप कभी आपका दिल नहीं भरेगा, इतनी बड़ी बड़ी फिल्में उन्होंने की है। लेकिन यहां पर मैं अगर बात करूं तो इस फिल्म के जो अभी तक के अर्ली रिस्पॉन्स है बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं आ रहे। मैंने देखा इसे आईएमडीबी पे कुछ 7.7 या 7.6 की रेटिंग मिली है, वही रोटेन टोमेटोज पे 28-29 की मिली है, जो बहुत ही नीचे है। लगभग इस तरह की फिल्म को अगर 60-70-80% होता और रोटेन टोमेटो पे तो कुछ समझ में आ रहा, लेकिन अभी बहुत सारे रिव्यूज आने बाकी है तो शायद वो रेटिंग चेंज हो सकती है। लेकिन हाँ, मैंने कुछ अच्छी और बुरी दोनों बातें सुनी वेनम के बारे में, बट आई एम नॉट श्योर कल के हिसाब से कौन सी फिल्म देखनी चाहिए। लेकिन मेरी पर्सनल राय है लव यात्री, अंधाधुन, वेनम को लेकर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरी बातों पर यकीन करें, लेकिन मेरे को अगर ऑप्शन मिला देखने का तो मैं आई थिंक आई विल गो फॉर अंधाधुन, देन आई विल गो फॉर वेनम, देन आई विल गो फॉर लव यात्री। ये मेरी पर्सनल राय है, आपको कौन सी फिल्म देखनी है और क्या देखना है वो आपके लिए, बट आई थिंक आई विल रिकमेंड ऑल थ्री, बिकॉज मैं ये नहीं कह सकता कि ये मत देखो वो देखो, मतलब सूर्या तू या बायस है तू ऐसा, बट आई थिंक इफ आई गेट एन ऑप्शन, जस्ट वन ऑप्शन, आई विल गो फॉर अंधाधुन। आपको कैसी लगी जरूर बताइए। तीनों फिल्म के एडवांस में शुरू हो चुकी है, आपको टिकट्स लेने तो भैया ले सकते हैं, और अगर एक्स्ट्रा टिकट्स लेना है मुझे फिल्म दिखाएं तो मैं भी आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं भैया, है ना। चलिए फिलहाल इतना ही रखते हैं हम, चलिए बाय, जाइए, बाय बाय बाय।